आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro के Xiaomi.U के 21.3.10 जो कि प्रीतीश की तरफ से Android 10 पोर्ट रोम है। इलेक्ट्रो का भी किया था यहाँ पे प्रीतीश के बिल्ड में। हम देखते हैं हमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हालांकि चेंजेस वैसे आज आपको फिलहाल इस अपडेट में अभी सभी रोम्स में जो है ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो यहाँ पे प्रीतीश की तरफ से चेंज दिया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। माय डिवाइस के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे हमारा Xiaomi का बिल्ड नंबर 21.3.10 वीटा जो कि वर्जन यहाँ पे हमें मिलता है। ऑल स्पेक्स के अंदर हमारा ओवरक्लॉक 2.2 मिल जाता है यहाँ पे जैसा कि पहले था। एंड्रॉइड वर्जन 10 है। सिक्योरिटी पैच 1 मार्च 2021 का मिल जाता है, और आपका कर्नल डीगल का जो कि यहाँ पे 13 वर्जन है, जो कि पिछले अपडेट में भी हमें सेम वर्जन देखने को मिल जाता था। और अगर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में चलते हैं तो वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आपका काम करता है, इसमें दिक्कत आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। स्मूथ भी है, पिछले अपडेट से आपको बेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपका वॉल्यूम पैनल एंड पावर मेन्यू आपका पहले की तरह, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलता है। और ऐप ओपनिंग भी आपका यहाँ पे इस बार स्मूथ देखने को मिलेगा, जैसे कि पिछले अपडेट में काफ़ी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग करने लग गया था एनिमेशन कभी कभार, लेकिन यहाँ पे आपका काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पे रीसेंट हमारा जो है काफ़ी स्मूथ मिलने वाला है। और यहाँ पे हमारा जो रैम है 4GB में 1.8 या फिर 1.9GB तक जो है आपको यहाँ पे फ्री मिल जाता है। और कैमरे में फ़िलहाल आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आपका कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता कैमरे के अंदर। जी कैम आप आराम से यहाँ पे यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8.1 आपका यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, इसमें हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, इसका आप यूज़ यहाँ पे कर पाएंगे। और आपको जो यहाँ पे एप्लीकेशन मिलते हैं ये दो Xiaomi बेस्ट सभी रोम्स में ये आपको यहाँ पे मिलते हैं, मैनुअली आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे गैलरी के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता जैसे पहले थे, उसी तरीके से बिल्कुल लेटेस्ट गैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे प्ले स्टोर की तरफ चलते हैं तो प्ले स्टोर हमारा सर्टिफाइड है, जैसे कि हर बिल्ड में हमें सर्टिफाइड मिलता है, यहाँ पे भी ये जो है सर्टिफाइड ही मिलता है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी बैंकिंग ऐप यूज़ करने में कोई भी। और टूल्स के अंदर आपका FM काम कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर आपका यहाँ पे जो क्वालिटी मिलता है वो 100 Mbps तक का मिल जाएगा। फ्रेम रेट हमारा 60 FPS मिलता है, जो कि पिछले अपडेट में हमें देखने को मिला था। और यहाँ पे ऐप बोल्ट आपका लेटेस्ट ही है बिल्कुल। और कॉलिंग की तरफ चलते हैं तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी काम कर रहा है, हालांकि वाईफाई कॉलिंग जो है वो काम नहीं करता यहाँ पे। लेकिन अगर हम ब्लूटूथ ऑडियो की बात करें तो वो आपका यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और साउंड क्वालिटी भी फिलहाल आपको अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सेटिंग्स के अंदर हमारा यहाँ पे जो है कास्ट काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारा वॉलपेपर के अंदर सुपर वॉलपेपर यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे बैक करते चलते हैं हमारा जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन जो साउंड है, तो यहाँ पे इस अपडेट में सभी Xiaomi बेस्ट रोम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। नेचर मिक्स के अंदर आपको यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट चाइना का जो साउंड है ये आपको मिलेगा, और यहाँ पे आइसलैंड का, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं नेचर मिक्स के अंदर में, जो कि अभी सभी Xiaomi बेस्ट रोम में जो है देखने को मिल रहे हैं। थीम आपका पहले की तरह है, चाइनीज थीम स्टोर ही देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन में कोई चेंजेस नहीं है, सब पहले की तरह है। डिस्प्ले भी आपका पहले की तरह है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर आपका कंट्रोल सेंटर भी आप देखोगे तो पहले की तरह है, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। और स्टेटस बार के अंदर चलते हैं तो इसमें भी हमें कोई चेंजेस नहीं मिलता था। यहाँ पर जो है कुल मिला के आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता इनमें। होम स्क्रीन के अंदर आपका पिछले अपडेट में ये सिस्टम नेविगेशन जो कि यहाँ पे होम स्क्रीन में ऐड किया गया था, और ये जो है पिछले अपडेट से काफ़ी स्मूथ आपको मिल जाता है। यहाँ पे एनिमेशन लैग जो है इस बार हमें देखने को नहीं मिलता, इस बार काफ़ी स्मूथ जो है ये मिल रहा है। तो इस बार आपको परफॉर्मेंस जो है हालांकि काफ़ी अच्छी मिलने वाली पिछले अपडेट के मुकाबले। और यहाँ पे स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट के लिए आपको जो है गूगल ऐप यूज़ करना पड़ेगा, हालांकि ओके गूगल जो उसमें काम नहीं करता। और नीचे अरेंज आइटम इन रिसेंट आपको मिल ही जाता है यहाँ पे। और सिक्योरिटी के अंदर हमारा फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक बिल्कुल इस तरीके से काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो बैटरी भी आपको जो है यहाँ पे अच्छी ही देखने को मिलेगी, बैटरी बैकअप में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आप जो है चेंज कर सकते हो। न्यू कैम जो है अगर आप फ्लश करना चाहते हो अदर कोई कर्नल, न्यू कैम जो है आप फ्लश कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा एडिशनल सेटिंग्स के अंदर भी यहाँ पे लैंग्वेज कौन कौन सी मिलती है तो आपको दिखा देता हूँ। लैंग्वेज जो पहले थी वही सारी लैंग्वेज मिलने वाली है, इंडोनेशियन लैंग्वेज भी है, और रीजन आप आराम से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नॉर्मल जो आपको पहले ऑप्शन मिलते हैं तो वही सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और स्क्रीन टाइम के अंदर आपका यहाँ पे फोकस मोड मिल जाता है, तो इसमें आपका ये फोकस मोड भी दिया गया है। और हमारा जो स्पेशल फीचर है इसके अंदर गेम टर्बो मिल जाता है, टूल बॉक्स जो कि वीडियो टूल बॉक्स हो गया, फ्लोटिंग विंडो, ये सारी चीज़ें आपको पहले की तरह ही मिलेगी। और MI अकाउंट सिंग, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल इसी तरीके से काम करें, इनमें प्रॉब्लम हमें नहीं मिलता। एंटूटू स्कोर की बात करें तो 158,980 मिलता है, जबकि पिछले अपडेट में 159,000 था। स्कोर में आपको कोई डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ऑलमोस्ट सेम है दोनों में ही, पिछले बिल्ड और इस बिल्ड में तो ऑलमोस्ट सेम आपको स्कोर मिल जाता है।
अगर हम बात करें यहाँ पे गेम के अंदर गेम टर्बो की, तो यहाँ पे वॉइस चेंजर आपको देखने को मिल जाता है पिछले अपडेट की तरह, लेकिन ये काम नहीं करता है। तो इसका विजुअल एनहांसमेंट एंड वॉइस चेंजर काम नहीं करता है यहाँ पे। और वही अगर हम चलते हैं यहाँ पे ग्राफिक की तरफ, तो इस बार ग्राफिक में आपको स्मूथ पे हाई मिलेगा, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई। स्मूथ पे इस बार 90fps अनलॉक हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हो तो इसकी एक अलग से वीडियो बना दो, क्योंकि लेटेस्ट वाले PUBG में जो है काफ़ी लोगों को यहाँ पे अनलॉक नहीं हो रहा, दिक्कत भी आ रहा है। तो अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके बताना, तो जल्दी जो है उसको भी बना के हम कंप्लीट करके आपको दे देंगे। फिलहाल अगर हम बात करें इस बार PUBG परफॉर्मेंस के बारे में, तो पिछले अपडेट से थोड़ी सी आपको ज़रूर यहाँ पे जो है डाउन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम हमारा अनलॉक नहीं, एक्सट्रीम के हिसाब से जो कि 30fps के हिसाब से चलता है, तो उसके हिसाब से आपको जो है ज़रूर यहाँ पे जो है PUBG परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप अनलॉक कर लेते हो तो इसका स्कोर अच्छा है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी ज़रूर मिलेगी। बस आप अगर स्ट्रीम तक अनलॉक करते हो तो आपको जो है ज़रूर यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम हाई जो फ्रेम रेट यहाँ पे अनलॉक अभी फिलहाल है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो बाकी जो अभी रोम आ रही उन पे अनलॉक आपको मिल जाता है एक्सट्रीम तक, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है। फिलहाल उनके हिसाब से अभी आपको जो है डाउन ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ थी और यही चेंजेस आपको देखने को मिले अभी सोमियो वेस्ट में। ज़्यादा कुछ चेंजेस अभी फिलहाल इस अपडेट में लेटेस्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी चेंजेस था मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ पिछले अपडेट और इस अपडेट के मुकाबले। अगर आपको अब डिसाइड करना है आपको कौन सा रोम अभी यूज़ करना है, बाकी अभी सभी के रोम जो है आने वाले हैं, तो वेट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।